निमरा और मैं जा रहे हैं इस वक्त क्रीम लेने के लिए। कान भी लाल बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। चाचू वो तो कहते हैं मिल्क क्रीम चाहिए। ये है मिल्क क्रीम तो भी वेस्ट। क्या कह रही है निमरा? बोधरे भर देखा मेरे मुंह तक ना आवाज आ रही है। देखा व्यूअर्स ये रहा पे फैसल है हमारे घर की, ठीक है ना? तो ये अंतिमा फैसल ओ ये मिलो। बच्चों को मार पड़ी लेकिन छोटे बच्चों को भी। देखो आप इनको छितरों ओ अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारे देखने वाले जहाँ पे रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे, अल्लाह पाक अपनी हुस्न मान में रखे, आमीन। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक गोश्त, और ये बहुत ही आसान और जल्दी तैयार हो जाती है अगर पालक पहले से बनी हो। सही। हाँ, तो ये कैसे बनती है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी जल्दी, सब भूख लगी हुई है। ये पालक ग्राइंड कर लिए और ये मसाला ग्राइंड कर लिया सारा। सही। और यहाँ पे हमने 1 किलो गोश्त ले लिया और 1 किलो हमने आलू ले लिए हैं, ये भी पहले वीडियो में दिखा दिया आपको। सही। और ये मसालों में हमने ले लिया 2 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच दरदरी मिर्च और तकरीबन 1 से कम है हल्दी और 1 चम्मच अपने यानी कि जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। मैं ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो व्यूअर्स दरअसल हमारा कैमरामैन थोड़ा सा हो गया बीमार जिसकी वजह से हम दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, तो हम दोनों फिर इसी तरह मैं आंटी की वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी सी अपनी लूँगी व्लॉगिंग टाइप, ठीक है? तो हम दोनों इसी वजह से आप कट्टी आ रहे हैं तो आपको एक साथ में नज़र आ पाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिर अब आंटी आलू पालक गोश्त बना रही है तो बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है? तो व्यूअर्स डालो हमारे शादी का ब्लॉग कैसे लगा और आप भी हमें कमेंट में लाजमी बताना कि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें। सही। ब्लॉग टाइप तो कभी रेसिपी बना लिए करें कभी ब्लॉग अगर आप कहेंगे तो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे प्याज है जो उनसे घी में डाल दिए थे वो ब्राउन होने लग चुके हैं, ठीक है? इसके बाद आंटी हम क्या शामिल करेंगे? इसके बाद चिकन शामिल करेंगे। सही। पालक को हमने तकरीबन 4-5 पानियों में धो लिया था अच्छे तरीके से। सही। और फिर बॉईल कर लिया था, बॉईल करके फिर हमने ये ग्राइंड कर लिया। ठीक हो गया। दरदरा ग्राइंड करना, ज्यादा मिल्क शेक नहीं बनाना। सही। मेहंदी टाइप आपने नहीं बनाना। तो व्यूअर्स आपसे एक बात शेयर करनी थी कि अगर आपको हमारी व्लॉगिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें बताया करें, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो वाच किया करें। हाँ जी, ताकि हमारा टाइम वाच पूरा हो जाए। अभी हमारा टाइम वाच पूरा नहीं हुआ। सही। सबको लगता है हमारे चैनल है जो से मोनेटाइज हो चुके हैं, इनकी तो बड़ी मशहूरियाँ छिछूरियाँ आ रही हैं तो इनका चैनल ना मोनेटाइज है, लेकिन ऐसा अभी और कुछ भी नहीं हुआ अभी। हमारे सब्सक्राइब जरूर पूरे हुए, शुक्र अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं के सबब, लेकिन अभी हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ चैनल। हाँ, टाइम वाच पूरा होगा। तो अब इसमें शामिल करेंगे व्यूअर्स ये दरदरा किया हुआ मसाला, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट, चंगी तरह भुन के मंगे।
क्यों आंटी? तो ये बाद की पाना आंटी ये इसमें डालेंगे तकरीबन ये चिकन डालेंगे चिकन डालेंगे अरे पंजाबी में सब बात करो जरा पंजाबी बस पंजाबी मेरी टूटी बची है टूटी बची है तो ये मसाला हमने 2-3 मिनट भून लिया बस इस जगह पे हम डालेंगे अपने सारे मसाले जहाँ जी बस हम सारे मसाले पै गए ने आधे बीच तेन चंगी तरह पौनी देवांगी इसके भून लेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे चिकन अभी बस मसाले से तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रही है तो आपकी मसाला अच्छा होना चाहिए आपकी ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए चीज़ अच्छी ही बनती है ना आंटी जितना खुला मसाला होगा दिल खोल के पाओगे तो थोड़ी चीज़ भी अच्छी बनती है मसाला ग्रीन मसाला बाकी दूसरे जो से होते हैं स्पाइसी मसाला जात वो तो हिसाब से डालने पड़ते हैं सही उनका भी जायका होता है लेकिन ज़्यादातर ये अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्चें इनका होते हैं सही तो लीजिए व्यूअर्स हम छोटी बहन की तरफ आ गए हैं देखते हैं ये क्या कर रही है हेलो इकरा हाउ आर यू आई एम फाइन एंड यू आई एम फाइन आई एम सो गुड तो आप क्या कर रहे हो एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ इंग्लिश ए का काम इंग्लिश ए का काम इंग्लिश ए का मतलब पेपर है ओ चलो कोई नहीं अल्लाह पाक खैर करेगा अच्छे तरीके से याद कर रहे हो हाय व्यूअर्स है स्यापा खाना पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल चीज़ भी है तो पर अच्छी चीज़ भी है क्योंकि पढ़न लिखन नाल इंसान की जिंदगी सवर जाती है तो सब कुछ और वास्ते आने वाला वक्त बड़ा आसान हो जाता है क्यों इकरा से कह रहे हैं है ना नहीं नहीं पढ़ना ज़रूरी होता है आप पढ़े लिखे होंगे तो लोग आपके माशरे में भी आपकी इज्जत होती है सही कह रहे हैं वैसे भी मुझे पढ़ाई का शौक है वेरी गुड मेरी बहन बहुत अच्छी है नमाज भी पढ़ती है और साथ में स्कूल भी जाती है अल्लाह ताला मुझे पास कर सही तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ तो लीजिए व्यूअर्स हम आंटी की तरफ वापस आ गए हैं इसमें गोश्त आ गई चिकन का गोश्त डाल रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं बड़े जो हैं वो छोटा गोश्त खाते हैं तो हमने इसलिए चिकन डाल रहे हैं और हम ज़्यादा चिकन ही पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं अब बड़ा छोटे थे चक्रांच से नहीं पहनते हमारे बच्चे डर जाते हैं बड़ा गोश्त मम्मा बड़ा गोश्त वो कहते हैं पता कितना बड़ा बड़ा हो रोज आप छोटा छोटा गोश्त पका लेती हैं मम्मा आंटी निम्दा की कहती है कि मम्मा रोज छोटा छोटा गोश्त पका लेती छोटा छोटा या बड़ा गोश्त को कहती है मम्मा बड़ा गोश्त नहीं खाना तो लीजिए व्यूअर्स यहाँ पे अब चिकन को अच्छे तरीके से अब उस मसाले में पकाएंगे ठीक है तो बड़े ध्यान से आपने रेसिपी देनी है इंशाल्लाह ज़रा आपकी आलू पालक बहुत मज़े की बनने वाली है क्या बैठा हुआ नहीं आंटी कोई भी बच्चा नहीं है क्रीम लेके आनी थी क्रीम लेके आनी मिल्क क्रीम तो आंटी फिर हम चल जाते हैं ले आए मामू की दुकान से ले आए चलो अच्छा मामू की दुकान से ले तो निम्रा और मैं जा रहे हैं इस वक्त क्रीम लेने के लिए बोलो कुछ भी नहीं बोलना जल्दी बोल मैं बोलती रुक जा तो मैं बोल नहीं सकती दुकान पे फिलहाल बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है चाचू वो क्या कहते हैं मिल्क क्रीम चाहिए दो तरफ के पैकेट ये है मिल्क क्रीम तो भी वैस ये हमारे चाचू हैं तो चाचू की दुकान अपनी है तो हम उनसे मिल्क क्रीम लेने के लिए आ गए हैं ठीक है चलो चलते हैं वापस हम भी ठीक हैं तो हम वापस जा रहे हैं ठीक है ना तो लीजिए व्यूअर्स क्रीम तो हम ले आए थे तो हम अब बारी हैगी है हाँ आलू डालने की बारी है मसाला ये मसाला सारा भून चुका है और चिकन भी गल चुका है थोड़ी सी जो कसर है वो आलू के साथ पूरी हो जाएगी ले व्यूअर्स आलू तो हर घर की शान है हर हांडी की शान है आलू के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है क्यों भी आंटी मतलब कि आलू है मुश्किल वक्त का साथी और सब्जियों का बादशाह सब्जियों का बादशाह
मुश्किल वक्त में जब कोई नहीं होता तब हमारे साथ होते हैं आलू। तो हम इसलिए आलू डालेंगे, ठीक है, इसकी शान बढ़ाएंगे। तो भी बस देखें कितने मजे तरीके से पक रहे हैं, आपको मसाला ज़्यादा भी नज़र आ रहे होंगे सब। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो काम बताओ वो जेन से निकलता रहता है। तो व्यूअर्स अब वो गई है ऊपर कपड़े लेने के लिए, तो हाँ भी मुझे कह दिया है, ठीक है। तो अब ये कपड़े लेकर आएगी तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या करती है। व्यूअर्स तो ये है शैदू पापड़, ये शैदू खाती है। इसके बाद ये एक लड़की है, इसका मुंह नहीं मैं दिखा सकती। ये बना रही है पेड़े, एक तरफ रोटियों की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ भांडे की तैयारी हो रही है। कितने पेड़े बनाए? 15 पेड़े की। कितने बनाए? 15। अच्छा, कितने जुड़ी आ रही आंटी? आती है 15 पेड़े बनाए मैंने। तुमने जो कहा 6-7 बनाए पेड़े और काम तो अलग है, 15 बनाए। लो भाई, तो भी मेरे सामने आपको दिखाती हूँ निमरा। राबिया फैशन, राबिया फैशन क्या कर रही हो? धोबिया नू कपड़े दे। चलो मैं देख। सारे साढ़े कर दिखा। पड़े रहना। हाँ जी जी, आवाज आ रही है आंटी, देखो तो सही इसको। तो व्यूअर्स इसमें हमने अभी शामिल किया है 1/2 कप पानी, ठीक है आंटी। पानी क्यों हमने शामिल किया इसमें? ताकि आलू गल जाए। आलू तो पालक के साथ भी गल जाएंगे, हल्के से नरम हो जाएंगे तो फिर पालक डालेंगे, ताकि यानी गैस में किचपन ना हो जाए। सही। तो व्यूअर्स जब ये खच खच करके पकने शुरू होगी ना, तो तब आपने क्या करना भला, पालक सीट देंगे। अब हम दोबारा से यहाँ आ गए हैं, ठीक है ना। आज की रूटीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। व्यूअर्स हमारे घर में सब माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत खुश रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं अल्लाह पाक सबको इसी तरह से खुश रखे, ठीक है। तो अब मैं क्या कहने लगी थी, मैं बड़ी मेन बात करने लगी थी कि हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह से प्यार करते रहें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना। क्यों नहीं मिला बताते, क्यों नहीं है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को मत टर्न करके दबाना, और हमें जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी आई गई वीडियो को बस खत्म गया। टाटा बाय बाय, गुड बाय। स्वीटी अपनी ब्यूटी दिखाओ। बताओ ना यार कुछ क्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हाँ। कर दीजिए मेहरबानी। और हमें जल्दी से जल्द सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी आए गए न्यू व्लॉग हम आप लोगों के पास आते रहे, और हमें जल्दी से जल्दी जितने भी न्यू लोग हैं और जो हमें देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए, लाइक करें, शेयर कीजिए। और कभी हमारे घर आना तो हम आपकी दावत भी करेंगे। जो हमारे फैन है, और मेरी बहन का दिल बहुत खुला है, लव यू हो गया खुला खुला। और आप लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया, आगे भी करते रहिए। और हमारे चैनल को हिट कर हाई लेवल पे ले जाओ। आमीन। और आप लोगों का बहुत थैंक यू जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जो करना चाहते हैं वो भी करें। गुड। गोश्त अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब इस जगह पर हम डालेंगे हमारी क्रीमी पालक। लो जी व्यूअर्स, ये आखिरी काम था, शुभ शुभ काम था जो हमने कर दिया है। हाँ बोल रही हूँ, एक मिनट बस मुझे ये बता दूँ मैं आंटी को। सॉरी आंटी बता दे आंटी, अब ये क्या करना है? बस इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ भुनेंगे 5-6 मिनट।
उसके बाद उसको थाम के रख देंगे, फिर हरा धनिया डाल के गर्म मसाला जीरा डाल के तो वैसे भी आंटी जो भी खाना बनाती है बहुत मजेदार होता है। तो ये अल्लाह ताला किसी किसी के हाथ में टेस्ट डालता है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है आंटी, गॉड गिफ्टेड है ना। तो क्या कहते हैं अब आंटी, वो आप जो मुझे कह रहे थे इसके साथ वो चावल वगैरह है ना, है ना, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी, लेकिन हाँ, चावलों के साथ ज्यादा मजा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, तुम क्या कर रही हो? पेपरों की तैयारी। पेपरों की तैयारी, चलाओ फिर दिखाओ जरा क्या तैयारी हो रही है। कर रही हूँ, भूख लग रही है। भूख लग रही है, हाय। तो व्यूअर्स, इसको भूख लग रही है। वहाँ एक आलसी लड़की है जो मैं दिखाती हूँ, जिसने पाँच छः पेड़े बनाए हैं, 15, ठीक है, 15 पेड़े बनाए हैं, और वहाँ एक बच्ची बैठी है रोटियाँ बना रही है। हमारे कुछ तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, नीम बस मुश्किलों से करनी पड़ती है। पढ़ने नहीं करता निम्न, करता भी है नहीं करता ज़्यादा, क्या नहीं करता। व्यूअर्स, ये राबे फैसल है हमारे घर की, ठीक है ना। तो ये राबिया फैसल है ये हमारे घर की, ठीक है ना। और ये इसलिए आप लोगों ने दुआ करना कि मैं पेपरों में पास आ जाऊँ, फेल होगी तो बहुत मजा हो जाएगा। मुझे घर से छीतरों से बाहर निकालेंगे। अच्छा आंटी, पहले एक बात बताओ, आपने कभी इसको छितर मारे? नहीं। सही बताना, कभी भी नहीं, नहीं ना। चाहिए जो भी रिजल्ट आता है इसका, बड़े बच्चों को मार पड़ी लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पड़ी। देखो अब इनको छितरों नहीं, नहीं, अल्लाह पाक ख्याल करेगा, है ना आंटी, हो जाओगे सबसे ज्यादा। अल्लाह सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं धनिया निकालती हूँ, तो ये पड़ा हुआ है धनिया है, ये धनिया है, हरा भरा धनिया है। लो जी व्यूअर्स, मैं धनिया लेकर आ गई हूँ, ठीक है, तो मैं धनिया बना रही हूँ इधर। उधर जी राबिया फैसल बोतलें भरने लगी है, ठीक है, यहाँ हमारी पालक भी बन रही है। क्या कर रही है निम्रा? बोतलें भर रही हूँ। देखा वो मुँह देखना, इसका आवाज आ रही है, देखा। तो ये पानी की बोतलें भर रही है, ठीक है। तो दूसरी तरह हमारी पालक पक रही है, इधर क्या कहते हैं धनिया बनाने लगी हूँ मैं। अच्छा, तो हम मिलते हैं अभी आपको। बस यहाँ पे हमारी पालक तैयार हो चुकी है, और इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, और साथ ही इसमें डाल देंगे गरम मसाला तकरीबन आधे चम्मच। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, आलू पालक गोश्त पक्के तैयार है, देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, गर्म गर्म की खुशबू हो रही है। इस जगह पर डालेंगे इसमें क्रीम, लो जी व्यूअर्स, ये हो गया सोने पे सुहागा। तो आंटी पालक पक के तैयार है, कुछ कहना चाहते हो? तो बस यही कहना था कि हमारी आज की रेसिपी यानी कि आलू पालक गोश्त कैसा लगा। सही।
आपको हमारी व्लॉगिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा, आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।